हाय एवरीवन, तो अभी हम अवंतिका में खड़े हुए हैं, अवंतिका बस स्टॉप पे, जो कि पोल स्टार स्कूल के सामने है। तो अब हम जा रहे हैं मंगोलपुरी मार्केट, यानी जिसको हम कत्तर मार्केट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से अवंतिका आए और यहाँ से आप 10-10 रुपए में ई रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप अवंतिका के इस स्टॉप से जाते हैं तो आपको 10 से 20 मिनट लगते हैं मंगोलपुरी मेन मार्केट में जाने के लिए। तो यहीं से ही पटरी मार्केट शुरू हो जाती है। जगह जगह पटरियों पर आपको अलग अलग तरह की शॉप्स दिखाई देंगी, जैसे अभी पीछे गई है टेडी बियर की शॉप और फ्लावर शॉप वगैरह। और ये रास्ता काफ़ी बिजी रहता है और दो साइड का होता है। तो देखिए, ये हमारे साथ और पैसेंजर बैठे कतरन मार्केट जाने के लिए। तो आज हम इसलिए कतर मार्केट जा रहे हैं क्योंकि एक तो ईद है और ऊपर से फेस्टिवल्स, जो रमज़ान का महीना है वो शुरू हो रखा है और हुआ एक महीने चला, उसकी वजह से अब मई में नया कलेक्शन आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हम ई रिक्शा में किस तरीके से बहुत कंफर्टेबल तरीके से जा रहे हैं। ये जगह जगह अलग अलग तरह की शॉप्स, कहीं मंदिर, कहीं किसी तरह का कुछ, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि कितना घना एरिया है, मतलब कितने दोनों साइड कितने चौड़े रोड हैं और बहुत सारा ट्रैफिक होता है, व्हीकल्स होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो कत्तर मार्केट है, यानी जो मंगोलपुरी मार्केट है, ये टेलर्स के लिए, बुटीक वाले लेडीज़ और जेंट्स के लिए, और जिन लोगों को फैब्रिक की अच्छी खासी नॉलेज है और जो फैब्रिक से रिलेटेड काम करते हैं, सूट सलवार बनाना या डिज़ाइनर कपड़े बनाना या कपड़े बेचना जो कि अनस्टिच होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अनस्टिच्ड यानी फैब्रिक मिलता है, हर तरीके की क्वालिटी का, हर प्राइस में, थोक रेट पर मिलता है, यानी कि होलसेल प्राइस पर मिलता है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी कपड़े होते हैं जिन्हें एक शर्ट के लिए या एक सूट के लिए कपड़ा चाहिए। ये मार्केट जेंट्स और जो लेडीज़ होती है दोनों तरीके के कपड़े रखती है, जो कि पूरे थान के रूप में मिलते हैं। और यहाँ पे साथ में बच्चों के सिले सिलाए कपड़े, अंडरगारमेंट्स और घर का छोटा मोटा सामान भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आते वक्त जब शाम हो जाएगी तो यहाँ पर और बड़ी मार्केट लगेगी इन पटरियों पर। तो आप, मैं यही कह सकती हूँ कि अभी मई में इनका नया कलेक्शन, बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है गर्मी के हिसाब से, जो कि मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपको अच्छा कंफर्टेबल फैब्रिक दिला सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम मार्केट की तरफ एंटर करने लगते हैं तो दोनों साइड बड़ी बड़ी दुकानें और अलग अलग प्रोडक्ट्स की दुकानें, कपड़ों की, घड़ियों की, जूतों की और अलग अलग तरह की दुकानें दिखाई देंगी। और ये एरिया काफ़ी खुला खुला है, लेकिन जैसे 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 हम अभी जा रहे हैं और जैसे जैसे शाम होगी तो भीड़ ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, ट्रैफिक ज़्यादा लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर लेडीज़ देखने को मिलेंगी और जो सामान बेचने, चद्दर बेचते हैं या जो कपड़ा बेचने वाले वेंडर्स होते हैं जो जगह जगह घूमकर अपना कपड़ा बेचते हैं, उन वो लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो ये हम आ गए हैं मंगोलपुरी मार्केट के मेन जगह पर। तो ये सबसे पहले उस रास्ते के अपोजिट साइड एक शॉप थी जिसपे दुपट्टे वगैरह और बाकी चीज़ें मिल रही थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों एक साथ गए थे कत्तर मार्केट को एक्सप्लोर करने, उसको सूट्स वगैरह लेने थे और मुझे भी कुछ फैब्रिक लेना था। तो आप देख सकते हैं, ये शॉप वाले भैया बोले अभी हमारी शॉप अच्छे से लगी नहीं है और हम अभी सारी चीज़ों को जचा रहे हैं। तो मेरे को ये दुपट्टा अच्छा लगा, लेकिन ये दुपट्टा काफ़ी गर्म था, मतलब मैं इस तरीके का दुपट्टा गर्मी में नहीं ओढ़ सकती, इसलिए मैंने ये दुपट्टा नहीं लिया। लेकिन ये दुपट्टा काफ़ी कॉस्टली था, 550 के आसपास उन्होंने बोला था, और वो एक फिक्स्ड रेट शॉप थी। और अंदर तक इस शॉप में बहुत अलग अलग तरीके के फैब्रिक थे, खासकर जो लोग मोमडन होते हैं उनके
पसंद के फैब्रिक ज़्यादा थे, क्योंकि इस अभी रमज़ान का मंथ चला हुआ था और चल रहा है अभी, कल ईद, आज कल नहीं, आज ईद है आई थिंक, कल या आज ईद है मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम तो सेलिब्रेट करते नहीं ईद को। तो देखिए सब ईद स्पेशल कपड़ा ज़्यादा था, कढ़ाई, जरकन, जरी वर्क और नेट फैब्रिक और चिकन करी वगैरह के लिए। तो ये है मेन मार्केट का एंट्री गेट, यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस के बैरिकेड लगे हुए होते हैं ताकि वो जो बड़े व्हीकल हैं वो अंदर ना जाएं। तो हाँ, सबसे पहले मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि इधर टॉयलेट कहाँ है, तो हमने सबसे पहले टॉयलेट ढूंढा। तो इस मेन गेट के राइट हैंड, राइट नहीं, लेफ्ट हैंड साइड DTC बस डिपो है, उसके अंदर DTC का सुलभ शौचालय है, जहाँ आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए पैसे देने होते हैं, पर ये सेफ है और क्लीन होता है और ठीक है। अब ये मेन मार्केट शुरू हो गई है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े जो थे वो ज़्यादातर स्टिच थे, रेडीमेड थे, शुरुआती एक दो शॉप पर लेफ्ट हैंड साइड यानी ओले हाथ की तरफ देख सकते हैं, प्लाजो, कलरफुल प्लाजो, प्रिंटेड प्लाजो और अलग अलग तरह के टॉप्स जो कॉलेज गोइंग लड़कियां पहनती हैं, खासकर समर में जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो हमें बदल बदल कर चाहिए। ये जो प्लाजो है भैया ने, ये मतलब शॉपकीपर ने ही हमें 250 रुपये में बोला, ये अच्छी हैवी लेंथ का सर्कुलर प्लाजो था। अगर आप सिलवाने भी जाएंगे तो प्लाजो की स्टिचिंग, सिलाई सिलाई के काफ़ी रुपए ले लेते हैं टेलर, लेकिन ये रेडीमेड सिले सिलाए अच्छी क्वालिटी के प्लाजो लगे हुए थे। तो ये देख सकते हैं लड़कों के लिए शर्ट्स वगैरह, कुछ शॉप जेंट्स के लिए थी जहाँ टी शर्ट, शर्ट जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के थे मिल रहे थे। हाँ ये है कि मंगोलपुरी मार्केट में जाएं तो आपको कपड़े की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए और आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, यानी कि आप मोल भाव अच्छे से कर पाए, क्योंकि कुछ होते हैं ना फ्रॉड्स वगैरह टाइप के शॉपकीपर जो ये सोचते हैं कि ग्राहक की कोई वैल्यू नहीं होती, उससे जितना पैसा लिया जा सकता है लिया जाए। तो ये दूसरी शॉप्स है, और ये मेरी फ्रेंड है जो अलग अलग तरीके के कपड़ों को एक्सप्लोर कर रही थी, देख रही थी कि उसके काम की क्या चीज़ है। यहाँ पे विदाउट प्रिंट और ये अलग तरीके का कपड़ा जो कि आप लाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 रुपये पर मीटर वगैरह। और ये देखिए आप ऐसे बाहर, ये कच्ची दुकानें बनी हुई थी और यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा शॉप्स थी जहाँ अलग अलग नंबर अलॉट किए गए थे, और उसके अंदर और बाहर ऐसे कपड़ा ऐसे फैला रखा था और पड़ा हुआ था गोल गोल बनाकर, पोटलियाँ बनाकर, जिसको जोन सा कपड़ा। ये जो कपड़े जो फर्श पर पड़े हुए हैं ये केजी के हिसाब से मिलते हैं, 350 kg के हिसाब से, 450 kg के हिसाब से। इसमें आपको आधा मीटर से लेकर 2 मीटर, 5 मीटर तक का कपड़ा मिल जाता है, क्योंकि ये वो कपड़े होते हैं जो बाद में बच जाते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी भी वही सेम होती है जो दुकान के अंदर मिलती है। बस दुकानदार को ये कपड़े, क्योंकि जो ट्रेंड बाहर हो जाते हैं तो वो कपड़े बिकते नहीं हैं, इसलिए दुकानदार उन्हें फिर भी मार्जिन पर बेच देते हैं। इस शॉप में की खासियत ये है कि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा, और यहाँ का फैब्रिक ख़त्म ही हो जाता है और ट्रेंडी चीज़ें मिलती है। ये नहीं है कि एक ही कपड़ा आपको पिछले साल भी वही मिल रहा है, इस साल भी वही मिल रहा है, नहीं ऐसे नहीं है। गर्मी में अलग तरीके का फैब्रिक, सर्दी में अलग तरीके का। तो आप ये देखिए ऊपर कलर वाले कपड़े लगे हुए हैं, और ये कुछ फैब्रिक ऐसा था जो बिल्कुल सॉफ्ट नेट था, ये आप देख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के शॉप्स के किस तरह लाइन से अलग अलग कपड़ा लगाए रखा है जो आपको पसंद है। आप इतना कपड़ा होता है कतरन मार्केट में या इस मार्केट में कि आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ले क्या ना ले। आपको कॉटन से लेकर, ये देखिए जैसे ये कॉटन के सूट है, अलग अलग प्रिंट्स हैं, मुझे इसमें से काफ़ी चीज़ें पसंद आई थी। और ये सेट थे यानी कि इनका जो सलवार का कपड़ा था वो अलग था, और जो कमीज़ का कपड़ा था यानी सूट का कपड़ा था वो अलग था, और ये मैचिंग सूट थे। ये जो उनको, ये जो
चार से सवा चार मीटर 400 रुपये में दे रहे थे। और देखिए यहाँ पे ना, जैसे जैसे अभी भीड़ बढ़ने लगेगी, अभी जैसे जैसे दोपहर होने लगेगी, लेडीज़ ज़्यादातर लेडीज़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि लेडीज़ ही जो कपड़े का काम करती हैं वो ज़्यादातर आती हैं यहाँ पर। और जो स्टिचिंग करती है, यानी जो सिलाई का काम करती हैं, बच्चों के कपड़े सिलती है और सूट सलवार सिलती हैं, वो लेडीज़ ज़्यादा आती हैं। तो अब देखिए, ये जेंट्स के लिए शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, इनकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है जितनी शॉप के अंदर होती है। ये देखिए, ये कपड़े आजकल, ये कपड़ा काफ़ी ट्रेंड में, ये प्रिंट्स और इस तरीके के, इसको शायद जॉर्जेट बोलते हैं, ये कपड़ा काफ़ी ट्रेंड में, ये प्रिंट्स देखिए न्यूज़पेपर स्टाइल में और अलग-अलग तरीके का। जैसे अब ये ब्लिंगी ब्लिंगी से कपड़े देखिए, ये नेट फैब्रिक है, और ये कॉटन और रियोन फैब्रिक, ये रियोन फैब्रिक है। लोगों को कॉटन और रियोन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये देखिए, ये यूनिसेक्स, मतलब जिसमें जेंट्स और लेडीज़ दोनों लोग अपने कपड़े सिलवा सकते हैं। जेंट्स अपनी शर्ट्स वगैरह सिला सकते हैं और लेडीज़ अपनी सूट सिलवा सकती है, कुर्ती सिलवा सकती है। जो कॉलेज की लड़कियाँ, वो कुर्तियाँ सिलवा सकती हैं, टॉप सिलवा सकती है। और जो लेडी, और ये शॉप देखिए, ये जो भैया थे, इनकी एक लौती शॉप थी शुरुआत में, इस पे बहुत अच्छी बेडशीट्स, मुझे ये वाली बेडशीट्स बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये डबल बेड की थी, सिंगल बेड की नहीं थी, मुझे चार छः वाले बेड के लिए ये जो बेडशीट है ये चाहिए थी। और ये भैया जो सिंगल बेड है उसकी बेडशीट 350 की दे रहे थे, जो बजाज टेक्सटाइल वगैरह जैसी कंपनी से आती है। तो देखिए, मैंने ये कुछ बेडशीट्स खुलवा के देखी, इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था। कुछ बेडशीट्स अनस्टिच थी, मतलब जिनकी किनारियाँ सिली हुई नहीं थी, और कुछ बेडशीट बिल्कुल रेडी थी, पिलो कवर अच्छे से सिले हुए और साइड से बिल्कुल अच्छे से बेडशीट सिली हुई। तो देखिए, मैंने भी एक बेडशीट ली, और मैंने ये दिखाने के लिए कि वो जो खम्बा झुका हुआ उसके सामने इस भैया की शॉप है, और मुझे ये वाली बेडशीट लेके जानी है नेक्स्ट टाइम। मैंने भी एक बेडशीट खरीदी, मैं जब नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें दिखाऊंगी कि मैं मंगोलपुरी मार्केट से क्या-क्या लेके आई। तो आप देख सकते हैं, कंबल वगैरह भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस, लेटेस्ट डिज़ाइन मिल रहे थे। और ये फैब्रिक है, ये आप इतने इतने ज़्यादा, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे इस मार्केट में जाकर, आपको ये नहीं समझ में आएगा क्या ना लूँ। मतलब आपका मन ये करेगा ये भी ले लूँ और ये भी ले लूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ों के प्राइस काफ़ी लो थे। अगर आप रिटेल मार्केट में जाकर लेते हो, जो कपड़ा आपको 150 रुपये मीटर मिलता है, वो आपको यहाँ पे 60 रुपीज़ मीटर भी मिल सकता है। तो देखिए, ये हैं सूट्स वगैरह, जो लेडीज़ या जो गर्ल्स बिल्कुल प्लाजो और कुर्ता पहनना पसंद करती है, उसके लिए मिक्स और मैच का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, और ये काफ़ी अच्छे रेट। तो देखिए, ये एक शॉपकीपर पर एक लड़की थी, मैं उससे पूछ रही थी उसकी शॉप का नंबर, तो उन्होंने बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। और जैसे जैसे अभी दोपहर होनी शुरू हुई, आप सोच नहीं सकते, हम वहाँ पर 2.5 से 3 घंटा घूमे, हमने इतना सारा फैब्रिक लिया, हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। मेरी फ्रेंड ने पहले ही बोल दिया था कि वो वीडियो में नहीं आना चाहती, इसलिए मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको वीडियो में नहीं लेती हूँ, ये उसकी प्राइवेसी का मामला होता है। तो देखिए, ये इस तरीके से जैसे हम एंट्री करते थे कि हमने, जैसे अभी उसके दोनों साइड शॉप थी, ये खाने पीने की शॉप थी और ये अलग तरीके का, ये कुछ फैब्रिक लगा हुआ था जिन लोगों को इस तरीके के साटन के कपड़े पसंद है। और देखिए, जो लेडीज़ आई हुई हैं, ये अच्छी खासी अमाउंट में यहाँ से कपड़ा लेके जाती है। और ये एक आंटी जो शॉप पे
काम कर रही है। यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ ही शॉप रन करती है, मतलब शॉप्स पर सामान बेचती हैं। कुछ पर जेंट्स होते हैं अपने जैसे टाइम के अकॉर्डिंग ये अपना टाइम बांट लेते हैं उस हिसाब से। तो ये शॉप सुबह 10 बजे खुल जाती है लगभग सारी शॉप्स, और शाम तक चलती है, क्योंकि हम कभी शाम को नहीं गए, रात को 8-9 बजे तो हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि ये सुबह 10 बजे के बाद धीरे 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 ओपन होने लगती है। तो ये भैया हम इनसे बात कर रहे थे कि आप हमें सिर्फ कमीज़ का कपड़ा दे दीजिए 5 मीटर, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वो बोले कि नहीं, हम तो सलवार का कपड़ा और सूट का कपड़ा इकट्ठा देंगे। तो देख सकते हैं आप धीरे धीरे लेडीज़ की जो लेडीज़ आना शुरू हो गई हैं, और अभी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। हम कुछ कपड़े खरीद चुके हैं और कुछ खरीद रहे हैं। ये मार्केट अंदर के तक है, काफ़ी लंबे कई किलोमीटर तक फैली हुई है, अलग अलग गलियों में भी है, शॉप्स हैं। और देखिए ये गन्ने की जगह जगह गन्ने के जूस की दुकानें थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ खाने पीने का बिल्कुल अच्छे से छोटी छोटी स्टॉल्स लगी हुई थी, और लोग खाना पीना भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो लोग ज़्यादातर जूस, सिकंजी, पुदीना वाला जूस और कई तरीके का सोडा इस तरीके से पी रहे थे। तो देख सकते हैं ये कुर्ते लगे हुए हैं, ये रेडीमेड कुर्ते हैं। ये इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, ये काफ़ी अच्छी प्राइस में थे, और ये लेटेस्ट कुर्ते थे जो बिल्कुल गर्मी के लिए सबसे अच्छे। ये ऐसे चीप कुर्ते वगैरह नहीं थे कि जो 100 रुपीज़ में मिल जाए या फिर 150 में मिल जाए। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। अब ये देख सकते हैं, ये वेडिंग सीज़न, वेडिंग कलेक्शन के लिए था, जो लोग रमज़ान वगैरह अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और जो लोग इस तरीके के इनसे शरारा, गरारा, लहंगा चोली और बाकी तरह की ड्रेस। और ये देखिए लटकन की, ये वहाँ पे एक ऐसी शॉप थी जो काफ़ी बड़ी थी, और यहाँ हर तरीके की लटकन, लेस, बटन और बाकी चीज़ें मिल रही थी। तो ये देखिए हम आगे जाते रहे तो हमने देखा कि अंदर, जितना हम अंदर जाते रहे अलग अलग तरह की शॉप्स हम देखते रहे। अभी देखिए हम जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे कई जगह ऐसा कॉटन फैब्रिक था जो काफ़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और प्योर था। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड बार बार मेरे सामने आ जाती। मैंने इसको बोला भी कि तुम मेरे सामने मत आओ, पीछे चलो अगर तुम्हें वीडियो में नहीं आना। ये कपड़ा वाइट कलर का, ये डायबल कपड़ा था, जो लोग वाइट कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, और बिल्कुल लाइट जॉर्जेट होता है, जो बिल्कुल गर्मी के लिए बहुत मतलब कंफर्टेबल होता है, वो फैब्रिक था। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा, आप कह सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी कपड़ों की थी। और फिर हर कपड़े में जो कलर, स्टाइल, डिज़ाइन था वो था। और ये देखिए पर्दों की शॉप, कुछ कुछ जगह बीच बीच में जो ये कच्ची शॉप थी, यहाँ पे पर्दे वगैरह भी, और ये जो प्रिंटेड ये जो कपड़े हैं ये भी, ये सब अलग अलग शॉप पर अलग अलग तरह की वैरायटी आपको देखने को मिल रही थी। सेम फैब्रिक, सेम डिज़ाइन आपको एक शॉप पे मिल जाएगा, फिर उससे 4-5 शॉप छोड़ के मिल जाएगा, या लगातार मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो लेडीज़ हैं जो सामान खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए आ रही हैं, वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो जिस जिस शॉप का मुझे बोर्ड दिखाई दिया या नंबर दिखाई दिया, मैंने उसका नंबर और बोर्ड कैप्चर किया ताकि आप लोगों को सहूलियत हो उस शॉप को देखने में, उसका फैब्रिक जो मैं फैब्रिक आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको वही फैब्रिक चाहिए तो आप वो फैब्रिक आराम से जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि आप किस तरफ जाए। तो ये देखिए वहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा था, तो ये वो फंक्शन, तो मैंने वो फंक्शन देखा अटेंड, मतलब गाने चल रहे थे डीजे पे और लोग जा रहे थे, वो 5 मिनट की झांकी थी ये कह लीजिए। और ये देखिए ये कपड़ा जो नीचे कपड़ा पड़ा हुआ है, ये कपड़ा काफ़ी जो चाइनीज़ और जापानीज़ कल्चर में जो फैब्रिक इस्तेमाल किया जाता है गाउन्स वगैरह के लिए वो था। और ये था नेट, जो बिल्कुल सॉफ्ट नेट था। हम शॉप के अंदर भी गए और वहाँ पर हमने देखा बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़ा, जो बहुत अच्छी ड्रेसेस में इस्तेमाल किया जाता है, उस कपड़े की
पर मीटर की रेट ही 500, 450। देखिए आप ये कपड़ा देखिए, अगर आप इससे अपनी एक ड्रेस भी बनवाते हैं तो वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की, और कहते हैं ना कि जो क्लासी लुक देती है वो। ये जो कपड़ा था वाइट डाइबल और इस तरीके से, ये अलग अलग तरीके, इस शॉप में काफ़ी महंगा कपड़ा दे रहे थे और बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये एज इट इज़ रहेगा, ये ख़राब नहीं होएगा ड्राई क्लीनिंग करने के बाद। तो हम बाहर आ गए, हमने तो जो बाहर थे जो कपड़े उनका रेट अलग था, जो अंदर थे वो काफ़ी कीमती, मतलब कह सकते हैं कि अगर 1 मीटर लेना तो वो काफ़ी हाई रेंज थी। तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शॉप्स नहीं थी, वहाँ पे पक्की शॉप्स थी और उन शॉप्स के अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए, घर के लिए, जो भी पर्दे वगैरह। और ये एक जगह थी जहाँ पे 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से आप कोई भी कपड़ा लीजिए। तो हमने, मैंने और मेरी फ्रेंड ने, उसने 5 मीटर अरकंडी का कपड़ा लिया, मैंने भी 2-2 मीटर के 2 सूट अरकंडी के लिए। जो जो चीज़ें मैंने खरीदी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, कि मैंने एक हॉल बना दूंगी कि मैंने मंगोलपुरी मार्केट या कतरन मार्केट से क्या क्या खरीदा। ये देखिए, मेरे को ये सबसे अच्छा कपड़ा लगा कलर में, तो ये दे रहे थे 60 रुपये। और ये है कारपेट की शॉप, यहाँ पर हर तरीके के कारपेट, लो रेंज के, हाई रेंज के, और मतलब जो लोग दस्तरखान बिछाते हैं खाना खाने के लिए, उन लोगों के लिए हर तरीके का कारपेट मिल रहा था। ये कुछ कारपेट जैसे एक्सपोर्टेड बोल रहे थे और कुछ कारपेट ऐसे थे जो इंडिया में ही बने हुए। तो ये देखिए, सोडा, नींबू पानी, तो ये अलग अलग जगह, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरा मोबाइल भी बहुत हीट हो रहा था और मेरा बिल्कुल सर ऐसा हो रहा था कि बहुत गर्मी लग रही थी, पर फिर भी हम वहाँ की जो शॉप्स हैं वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे। हमें बहुत सारा फैब्रिक ख़रीदा, हमने देखा कि वहाँ हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, ये है कि इस मार्केट में जाने के बाद आपको जो आप रिटेल मार्केट्स में सामान खरीदते हैं उसके हिसाब से, अगर कोई चीज़ आपको लोकल मार्केट में, अपने पास की मार्केट में 400 रुपीज़ की मिल रही है, तो वहाँ जाने के बाद 150 की मिल जाएगी। यानी कि जो कपड़ा या जो सूट आपको यहाँ पे 600-700 का मिलेगा, वहाँ जाने के बाद 300 से 350 का मिल जाता है। अगर आप बात करेंगे अनस्टिच की, यानी बिना सिले हुए की, खासकर ये इस मार्केट स्पेशलाइज्ड है अन जो बिना सिले हुए कपड़ों के लिए। जो बिना सिले हुए कपड़े होते हैं, जैसे जिन लेडीज़ का वज़न ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, जिनको मतलब जिनका जो जो कंपनियां रेडीमेड कपड़ा बनाती है वो स्टैंडर्ड में आता नहीं है साइज़, तो वो अपने कस्टमाइज़ करा के यहाँ से बनवा सकते हैं। तो देख सकते हैं, अभी आपने देखा कि टेबल मैट्स भी मिल रहे थे, वो भी जो हैंडमेड टेबल मैट्स है। और ये देखिए, ज्वेलरी मिल रही है यहाँ पे अलग अलग, अंदर जाने के बाद अलग अलग जगह ज्वेलरी की शॉप, ये छोटी छोटी इस तरह की रिक्शा पर शॉप, जो घर का सामान होता है वो मिल रहा था। और ये शॉप्स के अंदर आप देख सकते हैं, ये सिले हुए रेडीमेड कपड़े मिल रहे थे, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के, और जो बड़ी लेडीज़ होती है उनके लिए प्लाजो पैंट और लेगिंग्स, लेगिंग्स और जो हम जिसको पजामी बोलते हैं, चूड़ीदार पजामी, और जो लाइक्रा फैब्रिक बोलते हैं जिसको, वो वाले फैब्रिक में। तो ये देखिए, अलग अलग जगह देख सकते हैं कि जो शॉप्स है उसके बाहर रोड साइड ऐसे बॉक्स बना के, या जो बोरियां बिछाते हैं उन पे जो प्लास्टिक की शीट है उन वो बिछा कर, और जो बचे हुए कपड़े होते हैं वो डाल रखे हैं ताकि आप खुद चूज़ करें और उसे तुलवा लें, उसे केजी के हिसाब से ले लें। तो ये एक छोटी सी शॉप थी जहाँ पर हैंगर वगैरह और बाकी चीज़ें मिल रही थी, और ये स्कर्ट्स वगैरह, ये फैब्रिक अगेन, ये कुछ शॉप्स ऐसी होती है जो सेम सेम फैब्रिक रखती हैं, और उसकी एक ख़ास बात ये है कि उन फैब्रिक्स के रेट में भी अंतर होता है और उस फैब्रिक में भी अंतर होता है, लेकिन प्रिंट सेम होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी सारी शॉप है अंदर जाते ही,
पक्की शॉप्स बनी हुई हैं जो जिनमें अंदर सामान मिलता है, और आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की बेडशीट, कंबल, रज़ाइयाँ और अलग अलग तरह का घर में बिछाने ओढ़ने का सामान ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये लेडीज़ ऐसे बिल्कुल भरवा भरवा के कपड़ा लेके जा रही हैं। और ये है क्रॉकरी कप वगैरह लेना आपको, और बाकी छोटी मोटी डेकोरेशन की चीज़ें जैसे कछुआ हुआ या अमृतबान हुआ या जैसे कप सेट हुआ, छोटे बच्चों के कप सेट, तो ये देख सकते हैं। ये मार्केट अंदर की तरफ जाती है। इस मार्केट में ये है कि जब हम एंट्री करते हैं तो सीधा सीधा जाते हुए फिर ये आगे जाके दो रास्तों में बढ़ जाती है। एक रास्ते में जैसे अभी हम सीधा जा रहे हैं, वहाँ पर दोनों साइड शॉप्स होगी और काफ़ी चौड़ा रोड होगा, और हैवी व्हीकल्स का कोई मतलब नहीं होगा, गाड़ी वगैरह, क्योंकि आगे जाके बैरिकेड्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये लगा हुआ होता है कि जो छोटे व्हीकल्स हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि इससे जो यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, या एक्सीडेंट होने का या कोई मिस हैपनिंग होने का चांस हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी अपनी जैसे मम्मी वगैरह आती हैं और बड़ी बूढ़ियाँ भी आती हैं अपने पसंद का फैब्रिक लेने, तो उनको काफ़ी मतलब सेफ़ रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये अब हम आगे तक गए, ये कुछ शॉप ऐसी हैं जहाँ सब तरीके का गोटा, पट्टी और लेसेस और नेक डिज़ाइन, जो भी बुटीक टेलर और वैसा काम करते हैं कपड़ों से रिलेटेड, तो उनके लिए यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से आप कुछ भी ले जा सकते हैं जो आपको घर पर चाहिए, जैसे बेडशीट आप देख सकते हैं, बेडशीट्स के लिए। और ये देखिए, कहीं कहीं सेल लगी हुई थी, पहले पीछे हमने 60 रुपये पर मीटर देखा, अभी ये 60 और 30 दोनों दे रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं, आपको यहाँ पे 20 रुपये मीटर से लेकर या 30 रुपये मीटर से लेकर आपको यहाँ 1000 रुपये मीटर तक का भी कपड़ा मिल जाएगा, जो आपको बाहर की मार्केट्स में काफ़ी महंगा मिलेगा। अगर आपको सर्दियों के, गर्मियों के फैब्रिक चाहिए तो आपको यहाँ सब मिलेगा। आपको गर्मियों के लिए कुर्ते, कुर्ती बनवाने के लिए सूट सलवार, सूट प्लाजो, सूट सर्कुलर प्लाजो, सूट पैंट आपको यहाँ पे बने बनाए भी मिल जाएंगे। और मेन चीज़ तो यहाँ पे है कि आपको फैब्रिक मिल जाएगा, जैसे आप देखते हैं बीबा वगैरह, ओलीरिया या डब्लू की जो कुर्तियाँ आती हैं उनमें जो डिज़ाइंस और स्टाइल्स होते हैं, उनके जो पैटर्न होते हैं, प्रिंट होते हैं, उस तरीके के प्रिंट और फैब्रिक भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपने टेलर से। तो यहाँ पे ना ये नहीं है कि कुछ वैसा सामान मिलेगा कि चीप है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं। मैं कॉस्मेटिक्स लेना ऐसे लोकल शॉप से पसंद नहीं करती, क्योंकि उनकी क्वालिटी का कुछ नहीं पता होता। तो ये लटकन वगैरह, ये देखिए बेड शीट्स वगैरह, यहाँ की का मैं बेड शीट्स लेके एक लेके आई हूँ, और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। मैं आप उसको दिखाऊँ आपको दिखाऊँगी। तो ये पर्दे वगैरह, ये आगे तक हम आगे तक गए थे जहाँ ये शॉप्स मतलब लगनी भी बंद हो गई थी, तो हम आगे तक जाते रहे और देखते रहे। हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, मैंने और मेरी फ्रेंड ने। फ्रेंड का सामान तो मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैं अपना खरीदा हुआ सामान ज़रूर दिखाऊंगी। और हमने ये भी चेक किया कि वहाँ क्या क्या नया कलेक्शन आया, स्पेशली हमने ये मैंने ये चेक किया कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो वहाँ जाएँ तो वो ये देखें कि वहाँ क्या क्या मिलता है और वो किस तरीके का सामान वहाँ से ख़रीद पाएंगे। और मैंने स्पेशली वीडियो बनाने के लिए सारी मार्केट एक्सप्लोर की, ताकि मैं ये दिखा सकूं कि अभी मई में वहाँ क्या लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है और किस तरीके का सामान आया हुआ है। अगर किसी का मन हो कुछ ख़रीदने का तो वो वहाँ जाकर कहाँ क्या ढूंढ सकता है और किस तरीके की चीज़ें ले सकता है। आप यहाँ से तकिए के कवर बनाने के लिए, वॉशिंग मशीन का कवर बनाने के लिए, लैगी बनाने के लिए, जिसको सिलाई आती है वो हर तरीके का फैब्रिक ले सकते हैं। अब देख सकते हैं, जिन लोगों को फैब्रिक से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनवाना पसंद होता है वो इस तरह की मार्केट्स को काफ़ी पसंद करते हैं।
एक टाइम था जब मैं कॉलेज में थी तो मैं भी खुद कुर्तियाँ पहनती थी जीन्स के साथ, तो वो काफ़ी अच्छी और कैजुअल लुक देती थी और उसमें रिलीफ भी होता था। तो इस तरीके से जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो इस तरीके की शॉप्स ढूंढना काफ़ी पसंद करते हैं कि कम प्राइस में उन्हें कस्टमाइज कुर्तियाँ मिल जाएं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो लेडीज़ घर पर रहती हैं या घर मतलब जिन लेडीज़ को अपने कपड़ों में डिज़ाइन करना पसंद है या अलग अलग तरह के प्रिंट्स, कपड़ा, कॉटन की क्वालिटी, रियोन की क्वालिटी, मलमल और अलग अलग तरीके का कपड़ा चाहिए होता है, तो उनके लिए भी यहाँ से जो लेटेस्ट ट्रेंडी कपड़े पहनना पसंद करती हैं उनके लिए भी यहाँ से बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए जो गर्मी में बच्चों के लिए पहनने के लिए और जो फंक्शंस वगैरह में पहनने के लिए कपड़े हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मार्केट कितनी लंबी चौड़ी और कितनी दूर तक फैली हुई है। पर आप ये ज़रूर देखिए, अगर आप गर्मी में वहाँ जा रहे हैं तो आप अगर अच्छे से अपनी पानी की बोतल, अपना खाना पीना, अगर आप खाना नहीं लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा वैसा खाना नहीं मिलेगा, रोटी सब्जी जैसा, क्योंकि कुछ शॉप्स कोरोना की वजह से बंद थी। तो इस वजह से तो आप अपना अच्छे से पैक करके लेके जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कोई घर का सामान, ये जो अभी अगेन ये बाहर शॉप्स के बाहर जो बोरियां और प्लास्टिक की शीट बिछाकर कपड़ा डाला हुआ है ताकि लोग अपने आप छाट ले, सेलेक्ट कर ले कि उन्हें क्या चाहिए, तो अंदर वाला शॉपकीपर उन्हें तोल कर केजी के हिसाब से दे देगा। अगर आपको एक वो अगर आपको एक कपड़ा चाहिए और आप वो 50 ग्राम का पड़ रहा है तो वो तब भी दे देगा। तो देखिए ये टेलर्स के लिए यहाँ पे बुकरम वगैरह, पौंछे की बुकरम वगैरह और रबड़, अच्छी क्वालिटी की रबड़, बटन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैचेस जो उस पे सूट्स पे लगाते हैं वो हैं। जैसे कुछ लेडीज़ होती है जिन्हें सिर्फ यूनिक टाइप के कपड़े पहनना पसंद है कि जैसा कपड़ा मेरे पास है वैसा किसी और के पास ना हो, तो वो बनवाने के लिए। तो देख सकते हैं आप ये नेट का फैब्रिक, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है जो गाउन बनवाने के लिए काम आता है। फ्रेंड्स, अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के लिए घंटी के बटन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जैसे आप फेसबुक पर फ्रेंड ऐड करते हैं वैसे ही यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको कोई चार्ज या किसी भी तरह का, ये आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है, किस तरीके का मतलब आप देखना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोले और शेयर करें। मेरा यही उद्देश्य है ये सब वीडियो बनाने का कि मैं अपने नज़रिए से, अपने माइंड सेटअप के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके की वीडियो बनाकर दूं और आप उन्हें देखें और आप उन्हें इंजॉय करें और आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि दिल्ली में किस तरीके की मार्केट है, क्या क्या मिलता है, या हेल्थ से रिलेटेड, या आप अपनी बॉडी का किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं, या अपने अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधार सकते हैं, या आपको कहीं जाना हो तो कितना खर्चा लग सकता है, या मतलब लाइफ से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन या हर वो चीज़ जो ज़रूरी है और आपकी लाइफ में सुधार कर सकती है, या आपके बताए हुए एडवाइस से मेरी लाइफ में सुधार हो सकता है, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। प्लीज़ प्लीज़ मेरे कम से कम 50,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी ये वीडियो देखने के लिए। आगे लेटेस्ट कलेक्शन क्या आया हुआ है कतरन मार्केट में या और किसी मार्केट में, क्या क्या मिलता है, कितने बजे खुलती है, किस पर्पस के लिए उस मार्केट में जाना चाहिए, और गर्मी में सर्दी में क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर हमें मार्केट में जाना चाहिए, आगे मैं आने वाली वीडियो में बताती रहूँगी। तो आप देख सकते हैं अभी हम कमला ये जो सॉरी कमला नगर बोल रही हूँ, ये जो कतरन मार्केट है या मंगोलपुरी मार्केट है ये
इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि रोड के दोनों साइड कच्ची दुकानें बनी हुई है, और हर दुकान पर अलग अलग तरीके के फैब्रिक, अब ये देख सकते हैं दुपट्टे, तो अगर आपको मैचिंग का कोई दुपट्टा चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो ये हम मार्केट से बाहर आ गए, और हमें लगी हुई थी भूख और हम काफ़ी एग्जॉस्टेड हो गए थे, तो हमने वहाँ पे वेजी चाउमीन बनवाई और साथ में कोल्ड ड्रिंक ली, और ये हम वापस घर जा रहे हैं DTC बस से, और ये मैं बनी हुई हूँ डाकू हसीना, क्योंकि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने दोबारा